की शादी थी, कन्हैया जी ने उसके लिए भी भात में क्या कर दिया, क्या लिखा बोला? लगे हर नंदी का भात भरण है नंदलाल। मन सा सेट ने 2-4 किलो मेहंदी नहीं मंगवाई प्रेम श्रोताओं, पूरी 25 मन मेहंदी मंगवाई। कहा कि पूरा बुहाना गांव रचाओ, हाथों में रचाओ, पैरों पर रचाओ, सिर पर रचाओ, जिसके बाल धोले हैं उस सिर पे भी लगाओ मेहंदी। यो हर नंदी के बाद की मेहंदी है जो इनके लग रही है। बताया कि आसपास के जितने भी गांव हैं सब मेहंदी रचाओ और मेहंदी रचा रचा के शादी में बात में शामिल हो जाओ। और कितनी छोटी छोटी चीज मनसा सेठ ने चिट्ठी के अंदर लिखी, लेकिन कन्हैया ने कमी नहीं छोड़ी। जो सामान चिट्ठी के अंदर लिखा हुआ था एक एक सामान गिना गिना कर कन्हैया ने बात में दिया। क्या लिखा बोला? Oh,
भरने के लिए गई हुई थी। इतना धोबी पोछा इतने पनिहारियों ने पानी नहीं भरा अपने मटकों में, सारा सोना झाड़ झाड़ के भर लिया। पूरा घाट खाली का खाली रह गया। धोबी ने जाके देखा कि घाट पे तो कुछ भी नहीं है, घाट तो खाली है। बेचारे ने सोचा कि घर की तरफ चलता हूँ, कभी घर का भी कोई और ले जाए, कम से कम घर का तो मिलेगा। इतने घर पे जाए पहुंचा, पड़ोसियों ने देखा कि धोबी घर पे नहीं है। पड़ोसी कूद पड़े धोबी के घर में और सारा सोना झाड़ झाड़ के ले गए। बेचारे ने घर पे आके देखा कि घर पे भी कुछ नहीं मिला। रोने लगा कि एक रैया तूने सब कुछ कुछ ना कुछ जरूर दिया, लेकिन मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया। और कहा कि कहावत सुनी होगी मैंने तो, ये सुना है कि ये कहावत यहीं से चालू हुई थी कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। किस तरह से क्या लिखा, धोबी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता है। और क्या लिखा, धोबी सोचे घाट सके